दरियाए रावी में लाहौर के मकाम पर 1122 वाटर रेस्क्यू और सिविल डिफेंस यूनिट को अवामुल नास की हिफाजत के लिए तैनात कर दिया गया है। शाहिद मूवीज की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके उसे ऑल कर दें। दरियाए रावी में लाहौर के मकाम पर काफ़ी सारे फोर्स 1122 वाटर रेस्क्यू की जो है ना वो तैनात हो चुकी है। ये देखें हम दोस्तों आपको लाइव दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू किस तरह से अपने फरज सारी अंजाम दे रही है और सिविल डिफेंस की फोर्स भी जो इनके साथ मौजूद है और आप पानी का भी नज़ारा देख सकते हैं कि ये कितने लेवल पर पानी है। तो नाजरीन यहाँ पर बताया जाता है कि 1,71,270 क्यूसेक जो पानी है ना इस दरियाए रावी में मौजूद है और इससे आगे बढ़ने के इम्कान भी हैं। 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी आने का खतरा है, इसलिए लाहौर के मकाम पर 1122 वाटर रेस्क्यू और सिविल यूनिट डिफेंस को तैनात कर दिया गया है ताकि वो यहाँ पर जो मौजूद आसपास घरों के हैं इस पानी के अंदर फंसे हुए हैं इनको निकाला जा सके। दोस्तों पानी के जो लेवल है ना वो काफ़ी तर बढ़ता जा रहा है। ये देखें पुल हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू अपना काम किस तरह से सर अंजाम दे रही है और लोगों को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये देखें नाजरीन लाहौर के मकाम पर हम आपको ज़रा लाइव दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू 1122 किस तरह से अपने फ़राइज सर अंजाम दे रही है। दोस्तों मज़ीद बताया जाता है कि इंडिया ने और भी पानी छोड़ने का फ़ैसला किया हुआ है कि वो दरियाए रावी के अंदर और भी पानी छोड़ देगा। जो पानी की लेवल जो है ना वो 2.5 से 3 लाख क्यूसेक तक पहुंचने के इम्कानात मौजूद हैं। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।